नमस्कार। दुनिया की मानी हुई सबसे पुरानी दस्तावेज या सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है। 3500 BC में लिखी गई, यानी कि 5500 साल पहले लिखी गई। क्या दिव्यांगों के बारे में उस किताब में कुछ बोला गया है? अगर ऋग्वेद के सूत्र देखें आप या सूत्र देखें आप, तो जिस भूमिखंड में ये काम हुआ है उस भूमिखंड के बारे में वर्णन किया गया है कि ये सतलज और यमुना के बीच कहीं हुआ है और सरस्वती नदी की वर्णना की गई है जहाँ की ये घटना घटती है। तो नदी सुत्तम में ये बोला जाता है। फिर कहा जाता है कि राजाओं के बीच की लड़ाई, बैटल ऑफ किंग्स, तो बैटल ऑफ किंग्स या राजाओं के बीच की जो लड़ाई है, उस राजाओं के बीच की लड़ाई में ये बताया गया है कि अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान का वो इलाका था जहाँ पर कि लगभग 10 राजाओं का आक्रमण हुआ उस तरफ से। तो अफगानिस्तान के जो राजा थे उनका नाम खेला था और खेला की बेटी का नाम था, जो कि राजकुमारी थी और प्रधान सेनापति भी थी, उनका नाम था विपशला। तो विपशला बोलती है कि ये आराम करने का समय नहीं है, राजन मुझे आज्ञा दे ताकि मैं अपने भूखंड की रक्षा करूं। तो राजा आज्ञा देते हैं, जानते हैं कि 10 राजा हैं, सेना भारी है, फिर भी आज्ञा देते हैं और बड़ी बहादुरी के साथ विपशला अपने घोड़े पर जाती है, नेतृत्व करती हुई। कई दिनों तक युद्ध होता है, लेकिन चूंकि सेना भारी है इसलिए युद्ध में विपशला की पैर कट जाती है, जांघों तक पैर कट जाती है और वो वापस आती है, बड़ी दुखी वापस आती है और कहती है कि पिताजी कुछ करें और मेरा उपचार करें ताकि मैं शत्रु का मुकाबला कर सकूं। सूत्र फिर कहते हैं कि अगस्त मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ द्वारा पुकारा। अश्विनी कुमार कौन? अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य, और अश्विनी कुमारों ने लोहे का एक बड़ा सुंदर सुडौल पैर बनाया और उस पैर को रानी विपशला को लगाया। वो पैर इतना कुशल था कि वो घुड़सवारी भी कर सकती थी, दौड़ भी सकती थी। रानी विपशला अपने लोहे के पैर के साथ घुड़सवारी करती और तैयारी करती, तैयार हो गई, वापस उन्होंने आक्रमण किया और इन 10 राजाओं को हराया और राजा भरत को तसल्ली दिया उन्होंने। तो आर्टिफिशियल लिम्ब या नकली पैर या कृत्रिम अंग की कला ऋग्वेद में रानी विपशला के काम आई और इतनी कुशलता से काम आई कि उन्होंने वापस युद्ध किया और भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाया। तो राजा भरत की एक खासियत थी कि उन्होंने हारे हुए 10 राजाओं को वापस बुलाया, इकट्ठे हुए सारे, जितनी अच्छाइयाँ उनके यहाँ थी, जितना ज्ञान उन 10 राजाओं के पुरोहितों के पास थी, सबको संकलित कर उसमें से अच्छी चीज़ें निकाली। ऐसा नहीं है कि हारे हुए लोगों के भवन जला दिए, पुस्तकालय जला दिया, ऐसा कुछ नहीं किया, सबको संसाधित किया। फ्रूडलिज्म जो बोलते हैं ना, इंक्लूजन, अद्भुत उदाहरण, और एक अच्छा राज्य बनाया। राजा भरत बूढ़े हो चले थे, उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी ढूंढना था। उनके 5 बेटे थे, उन 5 बेटों में से, जाहिर सी बात है किसी को राजा बनाना है, राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन उनके पास उनके राज पुरोहित दीर्घ तमस भी थे। राजपुरोहित दीर्घ तमस ने कहा कि अगर आप किसी योग्य व्यक्ति को राजा नहीं बनाते तो आपका ये राज्य नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने ये सलाह दिया कि ऐसे एक व्यक्ति की खोज करें जिसमें कि वो 16 कलाएं हों जो कि राजा बनने के लिए आवश्यक हों। तो दीर्घतमस जो कि दृष्टि दिव्यांग थे, जो कि ऋग्वेद के ऋषि थे, जो कि 140 से लेकर 164 तक के सारे सूत्र लिखे थे, उन दीर्घतमस ने सलाह दी कि विधाता जो कि बृहस्पति के पुत्र हैं, उनमें सारे वो गुण हैं और उन्हें राजा बनाया जाए।
तो राजा भरत ने पहली बार अपने पुत्रों को नहीं विधाता को राजा बनाया था। ऋषि दीर्घतमस जो कि दृष्टि दिव्यांग थे उनके मशवरे पर, तो ऋषि दीर्घतमस जो कि दृष्टि दिव्यांग थे 140 से लेकर 164 तक के प्रथम मंडल के सारे सूत्र लिखे उन्होंने। रानी विप्सला जिन्हें कि एक कृत्रिम पैर लगाया गया 1/116 नंबर के सूक्त में उनका जिक्र है, जहां कि वो बोलते हैं कि अयासी जंघ विप्सलाए अद्वंतम, अब विप्सला की पैर जो कि जंघा तक कटी हुई थी उसे सही कर दिया गया और वो युद्ध में उपस्थित हो गए। तो दिव्यांगों की चर्चा ऋग्वेद में भी मिलती है और बड़े सशक्त तरीके से मिलती है। धन्यवाद।